हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोलिनसोनिया मेडिसिन के बारे में, जिसका पूरा नाम है कोलिनसोनिया कैनालिसिस। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज करते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला सिम्टम ये है कि यह पाइल्स के लिए अच्छी दवाई जानी जाती है। तो अगर पाइल्स किसी को है और पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन रहे, उसके साथ में आपको हेडेक बना रहे और कॉन्स्टिपेशन तो जरूरी है, तो यह दवाई जो है मदर टिंचर में 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार देने से पाइल्स जड़ से ठीक होता है। दोस्तों, इसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे फिस्टुला में बरबरीज भलगरीज, हमारे लिए हमने फिस्टुला ठीक किया है, और स्कूलर्स के केस में अगर पाइल्स है लेकिन उसमें कमर में दर्द रहता है तो उस स्कूलर्स के से ठीक होगा। और अगर पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन इज द मेन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन जरूर है, तब जो है कोलिनसोनिया तुरंत दीजिए, आराम हो जाएगा। 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, आपका पाइल्स जड़ से आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि अगर किसी लेडी पेशेंट को प्रेग्नेंट है और उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इसके लिए यह रामबाण दवाई है। तो ऐसे केस में प्रेग्नेंसी है और उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इसके लिए जो है कोलिनसोनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना दीजिए, तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडी का जो है कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि जो है कोलिनसोनिया जो है डिसेंट्री पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको डिसेंट्री हो गया है और डिसेंट्री के साथ साथ में ट्रेनेसमेंट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम में भी जो है भारीपन लगता है, दर्द लगता है, टिचता है, तो अगर डिसेंट्री के साथ में रेक्टम में टिच मारती है, दर्द करता है, तो कोलिनसोनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, आपका डिसेंट्री भी ठीक हो जाएगा और जो रेक्टम में ट्रेनेसमेंट है, रेक्टम जो टिचता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है अगर जो डिसेंट्री के साथ में ट्रेनेसमेंट है वो तो वहीं तो ठीक है, तो कभी कभी ट्रेनेसमेंट नहीं होता है, खाली कॉन्स्टिपेशन और इचिंग होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है एनएस में। तो अगर इचिंग ज़्यादा होती है एनएस में तो आप जो कोलिनसोनिया 30 पावर में 4-4 बूंद दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका एनएस का इचिंग जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम यह है कि अगर जो है कोई वकील है या कोई मिनिस्टर है तो अगर वो ज़्यादा बोलते हैं, उससे जो है एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस, अपने वॉइस का ज़्यादा यूज करते हैं, गला बैठ गया है और खांसी आ रही है, तो ऐसे केस में, गला के केस में आप जो है कोलिनसोनिया 30 पावर में 4-4 बूंद दिन में 3 बार दीजिए 1 हफ्ता, तो मिनिस्टर हो चाहे वकील हो, उनका जो शोर थ्रोट हो गया है ये जो तुरंत इसमें आराम हो जाएगा। दोस्तों, कोलिनसोनिया का एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है, एक बार हार्ट की बीमारी होती है, फिर एक बार पाइल्स हो जाता है। जब पाइल्स ठीक होता है तो हार्ट की बीमारी होती है, माने हार्ट अल्टरनेट विथ पाइल्स। अगर ऐसा कोई सिम्टम है कोलिनसोनिया, 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ दीजिए, अगर पाइल्स है और अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है तो कोलिनसोनिया 200 दो बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि अगर आपका पाइल्स पुराना हो गया है, पुराना से पुराना हो गया है, नहीं ठीक हो रहा है, और उसके साथ साथ में जो है पेनफुल है, माने दर्द भी हो रहा है, और इसके अलावा ब्लड भी निकलता है, आप दवाई करते करते परेशान हो गए हैं, तो दोस्तों अगर पाइल्स कितना भी पुराना हो गया हो, अगर उसमें दर्द होता है और खून भी निकलता है, तो ऐसे केस में आप जो है कोलिनसोनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार 3-4 महीना तक इसको लीजिए, आपका जो है इस तरह का पाइल्स जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कोलिनसोनिया का पेशेंट को हरदम कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसका पेट कभी जिंदगी में साफ नहीं होता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन को देखते हुए पाइल्स होता है, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है कोलिनसोनिया मदर टिंचर दिन में 3 बार पानी साथ दीजिए, उसका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम फिर जो है लेडी पर है, तो अगर प्रेग्नेंट लेडी को इचिंग बहुत होती है और प्रेग्नेंसी भी है, तो ऐसे केस में आप जो है कोलिनसोनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी साथ में लगातार दीजिए, उसी खजूरी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, जो हमेशा प्रूराइटिस जिसको बोलते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम है, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कोलिनसोनिया का अगला सिम्टम यह है, अगर आपको ड्रॉप्सी हो गया है, माने हाथ पैर में सूजन आ गई है और एडिमा हो गया है, दबाने से गड्ढा बन जाता है, और इसका आपने सब जांच कराया है और जांच में आपको मालूम पड़ा है कि इट इज़ ड्यू टू हार्ट, तो अगर हार्ट से आपको हाथ पैर में सूजन आई है, ड्रॉप्सी हो गया है, तो इसके लिए कोलिनसोनिया रामबाण है। कोलिनसोनिया 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए, पेशेंट को जो है हाथ पैर सूजन जो है ठीक हो जाएगा, और पेशेंट को और जो प्रॉब्लम है हार्ट की, वो भी जो है अल्टरनेटिव
दवाई देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों कॉलिनसोनिया का सबसे बड़ा यूनिक सिम्टम है, सबसे बड़ा गोल्डन सिम्टम है कि इसके पेशेंट को जो है पल्पिटेशन होगा और इसके बाद जो है पाइल्स रहेगा और इनडाइजेशन रहेगा, माने पाइल्स भी रहेगा इनडाइजेशन भी, खाना हजम नहीं होगा और पाइल्स रहेगा और पल्पिटेशन। तो कॉलिनसोनिया के पेशेंट को ये तीनों चीज़ रहता है। तो आप कॉलिनसोनिया मदर टिंचर आँख बंद करके लगातार 3 बार दीजिए, पेशेंट का जो इनडाइजेशन ठीक हो जाएगा, पेशेंट का पाइल्स ठीक हो जाएगा और पेशेंट का जो पल्पिटेशन भी ठीक हो जाएगा। पल्पिटेशन के नाम पर आप हर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना ही ईसीजी कराने की जरूरत है। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है पेट दर्द पर, कॉलिक पर। किसी को पेट में दर्द है तो आपने दवाई ठीक किया कोलोसिंथ, उससे नहीं ठीक हुआ, उसके बाद में आपने नक्स दिया। तो दोस्तों अगर कोलोसिंथ भी फेल हो गई है और नक्स भूमिका भी फेल हो गई है तो उस कोलिक के केस में, उस पेट के दर्द में कॉलिनसोनिया रामबाण का काम करती है। कॉलिनसोनिया 30 पावर में 3-4 बूंद करके आधे कप पानी में 3-4 बार दीजिए, पेशेंट का पेट का दर्द तुरंत आराम हो जाएगा, बशर्ते कि कोलोसिंथ और नक्स भूमिका फेल हो गई है तो ये दवाई रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों कॉलिनसोनिया का अगला सिम्टम और अंतिम लक्षण यह है कि जो है आपको एनस में एकिंग हो रहा है, माने रेक्टम में पखाने के रास्ते में दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ दर्द आपको नाभि के नीचे, जिसको बोलते हैं हाइपोगेस्ट्रियम, तो हाइपोगेस्टिक रीजन में दर्द है, इसके साथ साथ में एनस में दर्द है। आप कॉलिनसोनिया 30 पावर का 2-2 घंटे पर 4-4 बूंद ले लीजिए, जितना जल्दी जल्दी लेंगे एक्यूट केस में उतना ही जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हैशटैग आज डॉक्टर पी एस तिवारी देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमसे अपना इलाज कराना है, हमारा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी छोटे मोटे वीडियो में। नमस्कार।